में क्या होता है ना, टास्क मिलता है, कोई भी काम मिल जाएगा, ये करके आओ, वो करके आओ, ये दिखाओ, वो करो, वगैरह वगैरह वगैरह, आपकी बेसिकली नींद उड़ा देते हैं. यू गो थ्रू डिप्रीवेशन ऑफ स्लीप एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन. दिन भर रगड़ा चलता है, ये चलता है, वो चलता है, एंड देन यू आर गिवन टास्क. जब आप सोच रहे हो कि बस यार मैं एक कदम और नहीं ले सकता, तो आप बोलते हैं चल यार 40 किलोमीटर भाग के आ जा, 20 केजी का पिट्ठू पकड़ा नहीं, बोले 40 करके आ जा. दैट इज व्हेन यू आर एक्चुअली एट अ पॉइंट दे विल वॉच यू. यू नो प्रोबेशन में हम देखते हैं कि आदमी को वो, वी आर वॉचिंग फॉर योर लिमिट्स बेसिकली, कि आपका दिमाग कहाँ बोलता है कि यार कहानी खत्म हो गई है. वहां पे हम पहुंचते हैं जब आपकी कहानी खत्म हो गई होती है आपके दिमाग में, तब हम पहुंचते हैं और फिर आपको नई कहानी बताते हैं कि यार ये नई कहानी है, 40 किलोमीटर दूर है, करके आ जाना, ठीक है, फिर बात करेंगे. तो क्या होता है आदमी फिर उस टाइम पे, क्या होता है ना, बॉडी तो खत्म हो गई है, माइंड भी खत्म हो गया है, बचा क्या है, आत्मा बची हुई है, ठीक है. नाउ दैट दैट आत्मा इज गोइंग टू फकिंग डिसाइड वेदर इट इज गोइंग टू गो फॉर अ 40 किलोमीटर स्पीड मार्च विद अ 20 किलोमीटर रक्सैक और नॉट. तो हाँ या ना, वही का वही निकल आएगा, ठीक है. प्योर इट प्योर हो जाता है आदमी बेसिकली उस टाइम पे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का एनर्जी बचा होता है. सो क्या कहते हैं, आदमी प्योर हो जाता है और फिर आदमी का प्योरिटी वहां निकलता है, बोलता है हाँ मैं करूंगा, और जब निकलता है वो बाहर करने के लिए, या फिर बोलता है हैंड अप करता है, बोला हो गया अपना कहानी खत्म, मेरे को नहीं बनना स्पेशल फोर्सेस, कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है. सो इंसिडेंट इज लाइक दिस दैट वन ऑफ लाइक मैं पीछे मुड़ गया, दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी फन, बट व्हेन आई लुक बैक नाउ इट इज फन. सो मेरे को एक दिन बुलाया किसी दिन ने ना, सीनियर ऑफिसर ने बुलाया नाइन पैरा में, बोलता है ना एक सांप पकड़ के लेके आओ. तो मैं बचपन से सांप के साथ खेलता रहा हूँ, है ना, पाले भी हैं, ये भी है, तो मुझे सांपों के बारे में पता था बहुत कुछ. तो ये था जनवरी का महीना था, बहुत सर्दी थी JNK में, और मैंने उनको बोला सर इट इज जनवरी, इट इज विंटर्स, स्नेक्स विल बी हाइबरनेटिंग एट दिस टाइम, है ना. तो उसने सोचा, तो उसने बोला कोई बात नहीं यार, तो लेके आ सांप, लेके आ जा. अब मैं नाइन पैरा में या किसी भी प्रोफेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, इट इज सिंपल एज दैट. आपको काम मिला, आपने वो काम नहीं किया, आप घर जा सकते हैं, बाय बाय, इट्स लाइक दैट, ठीक है, देर आर नो एक्सक्यूजेस. तो अब नो भी नहीं बोल सकते. मैंने उसको बताया हाइबरनेशन चल रहा है, विंटर चल रहा है, फिर भी है ना, देयर वाज नो मर्सी. तो मैं सोचा यार अभी सांप कहाँ से लेके आऊं. फिर मैंने सोचा यार सांप नहीं, जंगली सुअर मिल सकता है, जंगली सुअर लेकर दिखा देता हूँ, बोलेगा एफर्ट इज सेम ओनली, है ना, तो शायद छोड़ देगा. फिर मैंने सोचा उसके बारे में, बोला नहीं यार, बोला सांप है और सांप की जगह जगह अगर मैंने जंगली सुअर दिखा दिया तो मुश्किल होगा, ठीक है, फेल कर देंगे, बिकॉज व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर आई हैव नॉट डिलीवर्ड, है ना. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा सोचा यार सांप सांप, आई वेंट इनटू सॉल्यूशन मोड, ठीक है. मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है. तो पहला मैंने सोचा यार सांप 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 कहाँ होता है, किसके पास होता है सांप, सांप होता है जू में होता है, जू में, है ना, है ना, तो जू में सांप होता है. तो मैंने बोला यार जू, तो देखा यार इस पूरे इलाके में जू नहीं था. फिर मैं बोला अभी क्या, और ये मेरे को शाम को टास्क मिला था और मुझे सुबह दिखाना था, पीटी से पहले मेरे को सांप दिखाना था इनको. तो मैंने बोला अच्छा तो जू में तो नहीं मिलेगा क्योंकि जू है नहीं यहाँ पे. फिर सांप किसके पास होता है, सपेरे के पास होता है, डब्बे में डाल के घूमते हैं इधर उधर, है ना. तो बड़ी सपेरा कहाँ से ढूंढू, ठीक है, बड़ा सोचा बड़ा सोचा. फिर मेरे लास्ट में दिमाग में आया यार सांप तो लेबोरेटरी में भी तो होता है सांप, है ना, अपने देखा नहीं है लैब में अपना, तो कौन सा लैब होता है ये बायोलॉजी वाला लैब, उसमें क्या बोलते हैं ग्लास जार्स में कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के रखते हैं सांपों को, प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस. तो हॉस्पिटल में होता है ये लैब, तो वहां पे कमांड हॉस्पिटल था. तो मैंने बोला, मैं कमांड हॉस्पिटल गया रात को और उनका डायरेक्शन पूछता पूछता मैं लेबोरेटरी में पहुंच गया कमांड हॉस्पिटल के उसमें. और वहां पे जो हवलदार साहब थे, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे आपके पास सांप है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ है. तो उसने मुझे ले गया एक कमरे में, दिखाया टॉप शेल्फ पे तीसरे नंबर पे, बाएं दाहिने से तीसरे नंबर पे एक बड़ा सा जार था, उसके अंदर एक बेसिकली पॉइजनस स्नेक था, क्रेट करके डेड था, इट वाज प्लेस्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड, उस जार में बंद था. तो मैंने उसको बोला मेरे को ये एक दिन के लिए दे दो सांप, तो उसने मना कर दिया कि भैया ये सब नहीं दे सकते आपको, आप यहाँ से मार्च कर जाओ. तो फिर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होके बाहर खड़ा हुआ था, बिल्डिंग के बाहर तूफान चल रहा था, बारिश हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, और तभी पूरी बिल्डिंग में लाइट चली गई. तो मैं चुपचाप से वापस घूमा दीवार के साथ, हाथ लगाते 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 उस कमरे में पहुंचा, फर्स्ट शेल्फ सेकंड शेल्फ थर्ड शेल्फ में तीसरा लेफ्ट से उठाया वो जार और गायब. और वापस यूनिट गया और मैंने अपने जिसने मांगा था सांप उसको दिखाया कि वेरी प्राउडली आई शोड हिम द स्नेक. तो उसने मेरा बहुत भूत बनाया उसके बाद, बेसिकली ही वॉन्टेड टू सी लाइव स्नेक बट आई गॉट ए डेड स्नेक, है ना. तो मैं वो सर ये तो आपने बोला नहीं था कि जिंदा या मुर्दा. सो लाइक दैट प्रोबेशन इज लाइक दैट, समटाइम्स इट्स फन.